Good morning, students. Today I want to teach you about the topic measurement of temperature. You have all seen the instrument thermometer. So thermometer is the measuring instrument of temperature. Okay. So now the topic is construction of thermometer. इसमें क्या होता है? It is made up of glass. ये glass से बना हुआ होता है. And in the middle part there is a capillary tube. यहां पे आप देख रहे हो एक capillary tube. Capillary tube क्या होता है? ये एक बहुत ही बारीक ट्यूब है. तो इनका जो क्रॉस सेक्शन है, मीन्स इनका जो डायमीटर है, अंदर जो कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर बहुत ही कम है. ओके, ताकि इसके अंदर से जो मरकरी हम यूज करते हैं वो मरकरी थोड़े से टेम्परेचर में ही आगे तक एक्सपेंड हो, इसलिए इस ट्यूब को बिल्कुल बारीक फॉर्म में लिया जाता है. ओके, और आगे का जो पार्ट आप देख रहे हो यहां पे, इसको कहते हैं बल्ब, बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर. और इसके अंदर हम मरकरी ले लेते हैं. ओके, अब हम क्या करते हैं, किसी का टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो इस बल्ब को हम उस ऑब्जेक्ट के कंटेक्ट में ले जाते हैं. जैसे मान लो कोई लिक्विड का टेम्परेचर हमें देखना है, तो इस बल्ब पार्ट जो है इसको हम लिक्विड में डुबोते हैं. हमारे बॉडी टेम्परेचर देखना होता है तो ये जो बल्ब पार्ट है इसको बॉडी के कांटेक्ट में हम रखते हैं. और उससे क्या होता है, उस बॉडी से हीट जो है, हीट इस मरकरी के अंदर हीट एनर्जी आ जाती है. और हीट एनर्जी आते ही उसके लिए जो टेम्परेचर का जो इंक्रीज होते हैं, उससे ये जो मरकरी है, मरकरी का थर्मल एक्सपेंशन होता है. थर्मल एक्सपेंशन होते ही इस कैपिलरी ट्यूब से वो मरकरी आगे की तरफ बढ़ने लगता है. तो जिस पॉइंट तक आता है, यहां पे कैलिब्रेशन है. कैलिब्रेशन का मतलब यहां पे मार्किंग होता है. तो मार्किंग के हिसाब से वहां पे, जैसे मान लो टेम्परेचर 0 डिग्री है, 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो ऐसे यहां पे अलग अलग रेंज में इसको कैलिब्रेशन किया जाता है. दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ थर्मोमीटर. थर्मोमीटर किस टाइप का है, किस रेंज का थर्मोमीटर हम यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से कैलिब्रेशन किया जाता है. ओके, अब हम देखते हैं इसको हम रीड कैसे करते हैं. रीड करने के लिए सबसे पहले आपको एक पॉइंट के बारे में जानना है, वो है रेंज ऑफ द थर्मोमीटर. रेंज ऑफ द थर्मोमीटर क्या है? थर्मोमीटर में एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और एक हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जिसको हम मेजर करते हैं. जैसे सेल्सियस स्केल जो हम यूज करते हैं थर्मोमीटर में, या सेल्सियस थर्मोमीटर में जो हम स्केल यूज करते हैं, उसमें लोएस्ट पॉइंट होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, और ये हाईएस्ट टेम्परेचर जो है जो रीड कर सकते हैं, और जो लोएस्ट टेम्परेचर है जिसको हम रीड कर सकते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को कहते हैं रेंज. ओके, तो एक सेल्सियस स्केल के हिसाब से थर्मोमीटर यूज करते हैं, और एक फारेनहाइट स्केल के हिसाब से हम थर्मोमीटर यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट, सेल्सियस स्केल और फारेनहाइट स्केल जो है उनके बीच में एक रिलेशन है जिसको हम फॉर्मूला के जरिए दिखाते हैं. आपके बुक में डू यू नो इस पार्ट में दे रखे हैं,
तो इस फॉर्मूला को थोड़ा मैं आसान तरीके से आपको बताऊंगा, जो सेंटीग्रेड स्केल से फारेनहाइट स्केल और फारेनहाइट स्केल से सेंटीग्रेड स्केल में या रीडिंग में हम कैसे चेंज करेंगे, वो पॉइंट एक बार देख लो आप। देखो यहां पे सेंटीग्रेड टू फारेनहाइट और फारेनहाइट टू सेंटीग्रेड ये चेंज करने के लिए एक ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वो फॉर्मूला सी अपन फाइव। सी अपन फाइव इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपन 9। ओके, सी अपन फाइव इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपन 9। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब इस फॉर्मूला से मान लो सेंटीग्रेड स्केल में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, सपोज 40 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो तो सी के जगह पे आपको 40 ये पुट करना है, सी के जगह पे 40, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस को हम फारेनहाइट में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो 40 अपन 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपन 9। एफ माइनस 32 अपन 9, तो यहां पे 5 8 इज 40, तो 8 अपन 1 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपन 9। दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एफ माइनस 32 इज इक्वल टू 72। नाउ एफ इज इक्वल टू 72 प्लस 32, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, और 7 प्लस 3 10। दैट मीन्स फारेनहाइट स्केल में उसका रीडिंग आ जाएगा 104 डिग्री एफ। ओके, तो बीच बीच में थोड़ा सा ब्लर्ड हो रहे हैं तो इसको स्किप नहीं करना, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो इस प्रोसेस से फारेनहाइट स्केल में 40 डिग्री सेल्सियस को हम चेंज कर सकते हैं। किसी का बॉडी टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब ये है फारेनहाइट स्केल या जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वहां पे 104 डिग्री रीडिंग वहां पे आ जाएगा। ओके, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वहां पे फारेनहाइट स्केल के हिसाब से ही मार्किंग है। ओके, तो सिमिलरली अगर टेम्परेचर फारेनहाइट स्केल में दे दिया जाए तो सेल्सियस में हम कैसे चेंज करेंगे, तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, सी अपन फाइव इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपन 9। ओके, तो सी अपन फाइव इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपन 9। तो इसमें थोड़ा ब्लरनेस आ रहे हैं, मैं थोड़ा कैलकुलेशन इस साइड में कर लेता हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां पे और कुछ नहीं है, सी अपन फाइव इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपन 9। अगर टेम्परेचर मान लो 104 डिग्री फारेनहाइट है तो इसको सेल्सियस में चेंज करने के लिए यहां पर आपको एफ के जगह पे आपको 104 पुट करना होगा। ओके, तो सी अपन फाइव इज इक्वल टू आप एफ के जगह पे अगर 104 पुट कर दोगे तो यहां पे आप देखोगे सेल्सियस स्केल में, कैलकुलेशन तो आसान है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है बता दिया आपको। तो यहां पे आपको सी अपन फाइव इज इक्वल टू
104 से 32 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे आएगा 2, यहां पे आएगा 7, दैट मीन्स 72, दैट मीन्स 98 जर, तो C इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ओके, तो एक ही फॉर्मूला से हम सेंटीग्रेड से फारेनहाइट स्केल में चेंज कर सकते हैं और फारेनहाइट स्केल से सेंटीग्रेड स्केल में कितना रीडिंग होगा वो हम चेंज करके दिखा सकते हैं। ओके, तो आज इतना ही। ओके, थैंक यू।